बोर्ड परीक्षा 2022 को कंडक्ट कराने के पक्ष में आपको बता दें, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 एक बार फिर से संकट में फंस चुकी है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की एक बार फिर से दस्तक हो चुकी है। और साथ ही साथ IIT के वैज्ञानिकों के अनुसार जनवरी फरवरी मार्च 2022 में कोरोना की थर्ड वेव की आशंका भी तेज हो उठी है, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन वायरस काफ़ी ज़्यादा संक्रमण पहुँचा रहा। वो भी आप लोगों को बता दें, बीते एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा संक्रमित बच्चे ही हुए हैं, जिसके कारण से बच्चों में संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बोर्ड परीक्षा किस आधार पर होंगी, पैटर्न क्या होगा, बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ नहीं है तो क्या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, काफ़ी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार आप सभी लोगों को MCQ फॉर्म में मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ऐसी भी खबर सुनने में आ रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, प्रमोट किया जाना चाहिए या आप सभी की परीक्षा होनी। शिक्षा मंत्रालय ने काफ़ी बड़े आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार आप सभी लोगों की फर्स्ट चॉइस होगी एग्ज़ाम कराना और सेकेंड चॉइस हमेशा बनी रहेगी एग्ज़ाम को प्रमोट कराना, प्रोन्नत।